नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एमके ज्ञान। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो थी कि आप अपने दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी बिल में कैसे नेम चेंज करा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उस वीडियो में आपका बहुत सारा प्यार मिला था और कमेंट भी आए थे बहुत सारे, तो सबके मैंने डाउट क्लियर करे दोस्तों। तो उसी वीडियो से रिलेटेड ये भी एक वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों कि जब आप जो है एप्लीकेशन जो है आप उसमें सबमिट कर देते हो कि अपना नेम चेंज करने की, तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी मिस्टेक हो जाती है या आपने कुछ ही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे होते या साइन नहीं करे होते या आपने कोई भी चीज़ ऐसे जो है मिस्टेक से बाय मिस्टेक जो है छोड़ दी अपलोड कर दिया ऐसी, तो आपका जो है डाउट रहता है कि आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रिजेक्ट तो बाद में होता है, मगर ये आपको डाउट जो है कि कैंसिल ना हो जाए फिर मुझे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया, अगर आपने बाय मिस्टेक कोई आपने साइन करना अपना भूल गए कोई डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या है या कोई भी आपको डॉक्यूमेंट जो है आपने अपलोड करना भूल गए हो, तो दोस्तों उसमें आपका जो है कैंसिल नहीं होता आपका एप्लीकेशन, आपको फिर एक मैसेज आता है। वो क्या मैसेज है वो भी आपको बताऊंगा। तो मैसेज आता है, उसमें जो है डिफेंसेस लिखा आता है कि आप जो है इसमें मिस्टेक कर दिया, तो आपको इसको दोबारा से अपलोड करना है, तो ये एक आपको मौका देते हैं। तो क्या है इस वीडियो में आपको बताता हूँ दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को जरूर देखें, चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों रेड बटन के साथ में बेल आइकन दबाना ना दोस्तों, मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आता हूँ। चलिए फिर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों अगर आपने भी सबमिट किया था नेम चेंज करने का रिक्वेस्ट, तो आपके पास अगर कोई आपकी मिस्टेक हो जाती है या आप कोई साइन करना या डॉक्यूमेंट अपलोड करना भूल जाते हो, तो आपको इस तरीके से मैसेज आएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, डियर एप्लीकेट योर रिक्वेस्ट नंबर जो था हैज़ बी डिफेंसेसी टू व्यू, आप देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस पर सिंपल क्लिक करके आप जो है दोबारा से अपना डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हो, जो आपका रीज़न भी बताएंगे कि इस रीज़न से आपका जो है आपकी मिस्टेक हुई है। तो वो आपको रीज़न आपको रेट करना है, अलग अलग जो आपके रीज़न हो सकते हैं, या आप साइन करना भूल गए हो या आप कोई अपलोड करना भूल गए हो डॉक्यूमेंट, तो आपको इसमें व्यू जो है आपको देख सकते हो, लिंक दे रखा है, प्रोवाइड कर रखा है मैसेज में, तो लिंक पे आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा, BSES यमुना पावर लिमिटेड, अगर आपका जो राजधानी पावर लिमिटेड तो आप उस पर भी आपका ऐसा आएगा डिजिटल सेवा केंद्र। तो यहाँ पर लिखा है कंज्यूमर ऑर्डर नंबर, तो यहाँ पर उनका ऑर्डर नंबर होगा और नीचे जो नेम होगा जिनका अभी मीटर है, जिनका आपने नेम चेंज करवाया था उनका नाम शो करेगा, और यहाँ पर जो है डिफेंसेसी रीज़न दिखाएगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है सेम साइड टू आईडी प्रूफ रिक्वायर्ड विथ सेल्फ अटैच, यानी कि दो आईडी प्रूफ रिक्वायर्ड चाहिए सेल्फ अटैच की। तो मेरे यहाँ पर जो था मैंने एक ही डाली थी आधार कार्ड की, तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड और दो ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो कॉपी विद सेल्फ अटैच साइन करके अपलोड करूँगा PDF बना के। तो यहाँ पर तो एक रीज़न आपको मिल गया कि आपके जो सेम साइड टू आईडी प्रूफ चाहिए रिक्वायर्ड सेल्फ अटेस्ट मोहन कुमार की, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे अब आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, तो आपको यहाँ पर और भी रीज़न अगर आपके पास हैं तो वो दिखेंगे, अगर नहीं है तो आप जो रीज़न है वो आपको शो होगा। तो यहाँ लिखा है सेल्फ अटेस्ट रिक्वायर्ड ऑन ऑनरशिप प्रूफ ओनर NOC विद सेल्फ अटेस्ट ID, यानी कि ओनर की ID चाहिए और NOC चाहिए कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है NOC, क्योंकि ये जो है जैसे कि मान लीजिए आपके फादर का मीटर आपने अपने नाम करवाना है, तो वहाँ पर आपके फादर की जो NOC लिखेंगे वो कि मैं यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट करके, अगर आपके फादर की डेथ हो गई है तो आप उनका डेथ सर्टिफिकेट यहाँ सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हो गया। थर्ड रीज़न में यहाँ पर लिखा है रिक्वायर्ड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म NOC फॉर्म को ऑनर, या को ऑनर की जो है NOC लगा सकते हो या लीगल हायर रिक्वायर्ड या लीगल हायर जो सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो जो ID प्रूफ है मैं यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन में अपलोड कर दूंगा, देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट, एंड सेकंड में जो है जो GPA होता है पेपर की वो मैं साइन करके, आपको साइन करना है GPA पेपर में फ़ोटो कॉपी, उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट में जो NOC मांग रहे थे मैं उसको सबमिट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है सबमिट कर दोगे तो आपका जो रीज़न बताया था उन्होंने वो आपका यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड एंड सबमिट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको BSES की, जो है यहाँ पर लिखा है थैंक्स फॉर अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर, इतना आपको यहाँ पर दिख नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपने जो है डाउट को, जो अगर आपकी कोई भी मिस्टेक हो गई है तो आप उसे दोबारा से सही कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों रेड बटन के साथ में बेल आइकन दबाना दोस्तों, मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लेके आता रहता हूँ। तब तक के दोस्तों धन्यवाद।